क्योंकि महात्मा उनकी दी हुई वस्तु को फिकवा देते थे। हरदास जी ने मोतियों के, मणियों के बहुत सारे समूह को यमुना में फिकवा दिया था। इत्र को, जो महंगे से महंगा इत्र था, उसे वृंदावन की धूर में मिलवा दिया। ऐसा कई बार हुआ था। तानसेन के सहारे अकबर उन सभी लोगों तक पहुंच जाता था जो भोले भाले संत होते थे, जैसे हरदास जी हैं, जैसे मीराबाई है। ऐसे कई लोगों तक तानसेन के सहारे अकबर पहुंच गया था, क्योंकि तानसेन एक श्रेष्ठ गायक था और तानसेन उन सभी भक्त कवियों को जानता था जो भगवान के सुंदर गीत गाते थे, जिनमें सूरदास जी थे, तुलसीदास जी थे, रैदास जी थे और हरदास जी थे आदि। ऐसे उस समय के कई भक्त कवि थे जो भगवान के बहुत सुंदर गीत गाया करते थे और उनके गाए हुए गीत इतने लोकप्रिय थे कि सूरदास जी के गीतों को सुनने के लिए लोग मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहते थे। तुलसीदास जी के गीत को सारे संसार ने प्रमाणित किया, रामचरितमानस के रूप में जाना, विनय पत्रिका के रूप में जाना, पदावली के रूप में जाना। उस समय भगवान के गीत के द्वारा ही, भगवान की सुंदर कविताओं के द्वारा जनता को, समूह को जगाने का काम ये भक्त कवि कर रहे थे। इन भक्तों के गायन से लोगों में भक्ति की लहर जागृत हुई थी, सनातन धर्म के प्रति लहर जागृत हुई थी। सदना कसाई जैसे लोग जो उस बाजार में रहते थे जहाँ मांस बिकता था, उन्होंने मांस भक्षण छोड़ दिया था और सालिग्राम की भक्ति को अपना लिया था। तो सदना कसाई जैसे लोगों ने सालिग्राम की भक्ति को अपना लिया था, ये बात मुगलों से छुपी नहीं थी कि कहीं ना कहीं इन भक्त कवियों के कारण उनका वर्चस्व कम हो रहा है और वो वैसा नहीं कर पा रहे हैं जैसा वो करने के लिए इस देश में आक्रमण करने आए थे। तो इन भक्त कवियों को मारना संभव नहीं है। कई बार कोशिश करी थी, नामदेव जी को मारने का प्रयास किया था तो, और एक बार कई कई महात्मा थे जिनको उन्होंने मारने का प्रयास किया था, लेकिन मार नहीं पाए थे, क्योंकि एक को मारा तो पूरा समूह हमारा शत्रु हो जाएगा। और कईयों को इन्होंने मारा भी तो भगवान ने उनकी रक्षा करी, भगवान ने उनको बचाया। इसीलिए अकबर मीरा से गीत सुनने के बहाने आया था, पीछे बैठकर मीरा के पद सुन रहा था, लेकिन वो मीरा पर आक्रमण नहीं कर सका, ना मीरा के साथ छल कर सका, ना मीरा से इस्लाम को सत्य कहवा सका, बल्कि महाराणा प्रताप ने उस समय मीरा की रक्षा करी। आज मीरा चित्तौड़गढ़ लौटना नहीं चाहती, लेकिन इतने सारे संत ब्राह्मण भूखे प्यासे बैठे हैं, महाराणा प्रताप की मनुहार है और उदय सिंह जी का पत्र है, विक्रम सिंह की तो वो बिल्कुल न मानती, लेकिन इन लोगों से मना करने का कोई प्रश्न भी नहीं था, ये बात विक्रम सिंह जानता था। इसीलिए मीरा ने आंखों में आंसू भर के उन संतों ब्राह्मणों से कहा, अच्छा ठीक है, तुम सब भोजन प्रसाद पालो, मैं अपने गिरधर से आज्ञा लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो मंदिर में चली गई और उन्होंने कहा, गिरधर क्या चाहते हो? तो भगवान ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चली जाओ, चला ही जाना चाहिए, तुम्हारा ही घर है, किसी और का थोड़ी, तुम्हें जाना चाहिए। जब भगवान ने मुस्कुराकर मीरा को लौटने की आज्ञा दे दी,
तो मीरा के सब्र का बांध टूट गया। मीरा के भाव को आज बहुत बड़ा धक्का लगा। मीरा जैसे टूट गई पूरी तरह से। ऐसा लगा जैसे कोई तो संसार में है ही नहीं, पर तू भी मेरे हृदय को नहीं समझता, और तो कोई पीर पराई जानने वाला है ही नहीं, लेकिन मैं समझती थी तू पीर पराई जानता है, पर तू भी पीर पराई नहीं जानता। और मीरा ने जिंदगी का आखिरी पद गाया। मीरा कहती है, ग्वालिड़ा तू कोनी जाने प्रीत पराई, ग्वालिड़ा तू कोनी जाने प्रीत पराई, तू कोनी जाने प्रीत पराई, जन्मत ही कुल त्यारण कहियो, पिता मात गुरु भाई, ग्वालिड़ा तू कोनी जाने प्रीत पराई। जन्मते ही तूने सब कुछ छीनना शुरू कर दिया, मात पिता गुरु भाई बंधु सब छीन लिए तूने मुझसे। जन्मते ही तूने मुझसे हर एक चीज छीनना शुरू किया, और आज मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहता है, मेरा स्वाभिमान, कि आज तेरे दर को छोड़कर वापस उस चित्तौड़घर में जाऊं, विधवा बनकर जीऊं। तू चाहता है कि मैं वापस चित्तौड़गढ़ में विधवा का जीवन जीऊं, तेरी होकर भी मैं वापस तेरे द्वारे से लौट कर चली जाऊं। मीरा ने आखिरी जिंदगी का गीत गाया कि तू पीड़ा नहीं जानता, अरे ग्वाले तू पीड़ा नहीं जानता, तुझे नहीं पता विरह की पीड़ा क्या होती है, तू मेरे हृदय को नहीं जानता। आज तूने साबित कर दिया कि तू पराया है, तू मेरा कभी नहीं। मीरा ने तो अपने आप में गिरधर को शामिल कर लिया, लेकिन गिरधर ने मीरा को अपने आप में शामिल नहीं किया। ऐसा कहकर मीरा के आंखों के आंसू अथाह हो गए, और मीरा गिरधर के चरणों में कुछ अचेत सी हो गई। और मीरा जैसे ही गिरधर के चरणों में अचेत हुई, एक प्रकाश सा प्रकट हुआ, एक प्रकाश। उस प्रकाश को मीरा ने अपनी आंखें खोल कर देखा, और वहाँ हर कोई देख रहा था कि मीरा सशरीर गिरधर में समा गई। मीरा गिरधर में समा गई। लोग नहीं मानेंगे कि पत्थर की मूर्ति में कोई कैसे समा सकता है, लेकिन अगर गिरधर मीरा में समा सकते हैं तो मीरा गिरधर में समा जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ सबकी आंखों में प्रेम के अश्रु भरे थे, जय जयकार हो रही थी, मीरा गिरधर की हो चुकी थी, मीरा परमात्मा को पा चुकी थी। अब कुछ नहीं था खोने और पाने को, मीरा गिरधर की हो गई थी। भगवत प्राप्ति के मार्ग में क्या लगता है, आपको और हमको मीरा से भी ज्यादा पीड़ा मिली है क्या? हमारे इन 9 द्वारों में फैली हुई राक्षसी संपदा ने
हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हम अपने दिन और रात को नहीं जीत सकते? क्या हम अपनी फैली हुई वासनाओं को समेट नहीं सकते? क्या हम इतने मजबूर हो गए हैं? और अगर आप इतने मजबूर हैं तो आप थम जाइए, भगवत प्राप्ति का मार्ग आपके लिए नहीं है। भगवत प्राप्ति का मार्ग आपके लिए प्रशस्त हो तब जब आपकी मंथन की मथानी केवल असुरों की ओर नहीं देवताओं की ओर भी जाती हो। जैसे मीरा दुख भी सह रही थी, मीरा प्रताड़ना भी सी रही थी, जहर भी पी रही थी और भक्ति भी कर रही थी, मर्यादा को भी निभा रही थी और मीरा गीत भी गा रही थी। इस प्रकार का संतुलन अगर आपके जीवन में हो तो आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप चाहे 100 बरस के ही क्यों ना हो गए हो, आप इसी क्षण अपनी श्वासों को साधना शुरू कर दीजिए, इसी क्षण अपनी आंखों में गिरधर को उतारना आरंभ कर दीजिए। मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप भले मृत्यु के आखिरी क्षण में हो पर आप गिरधर में समा जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। भगवत प्राप्ति के मार्ग की यही महिमा है कि जिसको चलना नहीं आता उसे चलते चलते युग बीत जाते हैं पर मंजिल नहीं आती, और जिसको चलना आता है उसको एक क्षण भी पलक झपकने में देर लगती है लेकिन मंजिल आने में देर नहीं लगती। यही भगवत प्राप्ति के मार्ग का सबसे बड़ा राज है जो शायद करोड़ों लोगों को नहीं पता, इसीलिए वो भटक रहे हैं, इसीलिए वो जी जंजाल में घूम रहे हैं। मीरा की कथा इसलिए मैंने आपको सुनाई कि अगर आप एक नारी के देह में हैं, अगर आप एक स्त्री के शरीर में हैं तो क्या लगता है आपका दुख मीरा से भी ज़्यादा बड़ा दुख है? अगर मीरा ने इतने दुखों के बीच अपने गिरधर की भक्ति को नहीं छोड़ा तो विश्वास मानिए आपको भी गिरधर की भक्ति छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दुख आएंगे और चले जाएंगे, जहर आएंगे और अमृत बन जाएंगे।